व्यापार वर्ग को प्रोडक्शन कॉस्ट दुगुना होता है और ये पूरा आम पब्लिक पे पड़ता है। 2020 में खामोश रह के वो बिल पास होने का जो देखा गया, आज उसके रिजल्ट्स जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है विदाउट एनी नोटिफिकेशन और 50% एकदम सडनली चार्जेस ज़्यादा हुए, फ्यूल परचेज पावर सरचार्ज चार्ज भी ज़्यादा हुए, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हुए और पर यूनिट का चार्ज भी ज़्यादा हुआ है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हो गया, दुगना मिनिमम 50% बढ़ा दिया है, उसके बाद कहीं घरों में आपको डबल बिल आ रहा है। This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines. 24/7 hours medical is open and free home delivery also available. Medicines at your doorstep. Opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi. गुलबर्गा व्यापार वर्ग आज जो बंद निर्धार करके ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये जो मसला है इलेक्ट्रिक तारीफ का, ये जो तारीफ बढ़ा गया है पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक तरीके से किया गया। ये पूरा सारे इंडस्ट्री और व्यापार वर्ग को प्रोडक्शन कॉस्ट दुगुना होता है और ये पूरा आम पब्लिक पे पड़ता है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हो गया, दुगुना मिनिमम 50% बढ़ा दिया है, उसके बाद कहीं घरों में आपको डबल बिल आ रहा है। ये पूरा गलत तरीके से ये जो अमेंडमेंट हो गया, ये तुरंत वापस लिए जाए। सरकार को मैं विनंती कर रहा हूँ, पिछले जो बिल है वो पावती करे और आने वाले का जो ये मसला है पूरा परिशीलन करना है। ये जो तहकीकात करे अभी बहुत, एक महीना इलेक्शन परेड में करके एक पूरा पब्लिक को गुमराह किया है, ये जो बात अच्छी बात नहीं है। ये पूरा सारे इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन और पूरा चेंबर ऑफ कॉमर्स FKCCI से ये पूरा मीटिंग होने के बाद ये जो कौन से तरीके में आप बढ़ा रहे हैं वो सबको समझना चाहिए। इसको कम से कम सब इंडस्ट्री वालों को 6 महीने से साल भर लगेगा ये पूरा समझ में आने के लिए, और आगे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी किसी का हाथ हित में नहीं रहता है। तो ये सारे चीज़ है, ये अभी सरकार से और KRCC से हमारा विनंती है, तुरंत पुराने बिल पौती से हिसाब से पहले आपको पौती, क्योंकि हमने भरना नहीं चाहते, आपको आपका भी चलना है हमारा भी चलना है। तो तुरंत आके तुम अनवांटेड बिल क्रिएट करके आप कटिंग को आए तो कोई भी मौका नहीं देंगे पब्लिक। आप इसके पब्लिक के हित में आप अगर पुराने तारीफ को रिवाइज करके वापस ये जमा कर लिए और ये आगे वाला आने का दिन ये पूरा परिशीलन होना है। ये सारे पब्लिक और इंडस्ट्री वालों का ही नोटिस में आना चाहिए किस लिए बढ़ रहा है, किस लिए क्या हो रहा है, तो उसके बाद फिर जो भी होता है वो डिसीजन लेना चाहिए। राघवेंद्र मैलापुर सराफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट, ये 24 घंटे में ये वापस लिए गए, उसके बाद में जो पिछले सरकार करे ये सरकार करे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारा व्यवहार चलना चाहिए, नहीं तो पूरा फैक्ट्री इंडस्ट्री सब सारे बंद होने के इसमें नौबत में आते हैं। आप बहुत जल्द से जल्द इसको निर्णय देना बोल के हमारा सबका विनंती है। आज ये बिजनेस एसोसिएट ट्रेडर्स और सामान जनरल पब्लिक का ये बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया,
अगेंस्ट KERC ये जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस बढ़ा हुआ है उसके अगेंस्ट सब लोगों ने मिलके आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर में आज बड़ा सा रैली निकाला है, स्ट्राइक निकाला है, अपोज कर रहे हैं हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है विदाउट एनी नोटिफिकेशन और 50% एकदम सडनली चार्जेस ज़्यादा हुए, फ्यूल परचेज पावर सरचार्ज चार्ज भी ज़्यादा हुए, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हुआ है और पर यूनिट का चार्ज भी ज़्यादा हुआ है। ये ज़्यादा होने से नॉट ओनली बिजनेस पीपल इफेक्ट हो रहे हैं, ये सामान्य लोकल जनरल पब्लिक को भी ये ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा होगा, होटल्स में ज़्यादा रेट ज़्यादा होगा और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा होगा। उसके लिए हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से इसको 50% जो एकदम से चार्जेस ज़्यादा हो गए ये अपोज करते हैं और ये KERC ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिबेट के हिसाब से उसको यूनिट के हिसाब से कम करना चाहिए बोल के हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से ये सब रैली किया हुआ है। थैंक यू। कल्याण कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के तरफ से सभी ट्रेडर्स इंडस्ट्रीज़ को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्राइक के लिए बुलाया गया था, सभी अपने शॉप्स को बंद करने के लिए अपील की थी जो बहुत सक्सेसफुल रहा। सभी अपने एस्टेब्लिशमेंट बंद करके हमारे साथ बहुत तादाद में लोग शामिल हुए और आज की स्ट्राइक को हमारे कामयाब किए। हम यही KERC से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो ये प्राइस हैक में ये किया है, आप प्रो कंज्यूमर है, आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको हर एक बार आप जो भी हो सकता कम करने की ये करके सभी लोगों को, इवन जनरल पब्लिक भी इससे परेशान है और ट्रेडर्स भी परेशान है, इंडस्ट्रीज़ भी परेशान है, हर एक पब्लिक इससे परेशान है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं हम KERC से कि आप इसको रिवाइज करिए और जो भी हो सकता मिनिमम कॉस्ट में हम सभी को इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। थैंक यू। में कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी पावर टैरिफ हाइक किया गया है, उसके अगेंस्ट में जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ने जो कर्नाटका बंद का कॉल दिया था 22 जून 2023 को, आज गुलबर्गा काफ़ी सक्सेसफुल बंद रहा, सारे कारोबार मार्केट सारा बंद रहा, सारे इंडस्ट्रीज बंद रहे, बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट रहा गुलबर्गा में इलेक्ट्रिसिटी पावर टैरिफ हाइक के ऊपर। जिस तरीके से ये पावर टैरिफ हाइक किया गया है ये ऑलमोस्ट ये है कि भाई इट इज़ लाइक टू क्लोज और शट डाउन द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन मैं ये आज के इशू को मैं थोड़ा सा पिछली तारीख को जाते हुए इसके तफसीलात दूँ कि वॉट आर द रीजन्स बिहाइंड द पावर हाइक, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर टैरिफ हाइक की गई है इसके पीछे के जो रीजन्स और वजूहत हैं ये मैं बताता चलूँ। कि जैसे सबको पता है 2020 में जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त में पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट अमेंडमेंट 2020 जो पास किया गया, ये उसका आज नतीजा है कि 2020 में खामोश रह के वो बिल पास होने का जो देखा गया आज उसके रिजल्ट्स जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। वो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट को अमेंड किया गया उसमें एक चीज़ डाली गई है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी बना दी गई है जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी बना दी गई है, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इतना पावर दिया गया कि वो अपने मर्जी मुताबिक एज दे विश दे कैन हाइक द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये जो है इसी के साथ हम उस वक्त में किसान आंदोलन, जैसे कि मैं कर्नाटका प्रांत राइत संघ किसान सभा से हूँ, मैं हम लोगों ने जिस तरीके से ये बंद को बेंबला दिया, हम लोगों ने सपोर्ट किया, CPIM ने भी सपोर्ट किया, आज हम लोगों ने ये बंद में शामिल इसीलिए रहे कि ये ना सिर्फ किसानों इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ या कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ये आगे चल के किसानों के लिए भी बड़ा हानिकारक एक्ट है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2020 में, जिस वक्त कर्नाटका प्रांत रईत संघ जो कर्नाटका में 2020 में BJP हुकूमत थी उसके पास बार बार डिमांड कर रहे थे हम लोग कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट पास कर रही है इसके अपोजिशन करें, इसको रोकने के लिए काम करें, लेकिन दो चोर मिलकर ये बिल को पास कर दिए। लेकिन आज जो हालत आगे खड़ी है, आज एक स्टेट गवर्नमेंट जो नई बनी है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है रीजन देती है कि भाई पिछली गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया था या नया पावर टैरिफ हाइक किया था। ये बिल्कुल सही है कि भाई अप्रैल में पावर टैरिफ हाइक की गई थी, बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट उसको लागू नहीं किया गया, ये बात सही है। लेकिन क्या गवर्नमेंट इतनी मजबूर है कि एक जो अथॉरिटी बनाई गई है
क्या वो गवर्नमेंट के ऊपर है कोई अथॉरिटी जो अथॉरिटी के पावर टैरिफ हाइक को वापस ले नहीं सकती गवर्नमेंट? जिस तरीके से जो KREC जो है कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो बनी हुई है का अथॉरिटी यहाँ पे, उनका कहना ये है, और जो सटल का जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी जो बना है उनका कहना ये है, बिकॉज ऑफ पावर फ्यूल प्राइस हाइक और जो नेशनल ग्रिड से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पावर सप्लाई होता है इसके चार्जेस बढ़ाने के वजह से, इसके टैरिफ बढ़ाने के वजह से हम लोगों ने ये टैरिफ बढ़ाई है। यानी कि जो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था वो फाउंडेशन बना कॉर्पोरेट कंपनीज को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपना पावर टैरिफ रेट बढ़ाने के लिए। आज उसके ऊपर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई जिसको आज हम बड़ी पावर टैरिफ हाइक के नज़र में देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो फ्यूल प्राइस हाइक है और जो नेशनल पावर ग्रिड से जो पावर सप्लाई मिलती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, ये दोनों के चार्जेस बढ़ने से इसका महंगाई का मार वो आके कस्टमर्स को लग रहा है। भले आप डोमेस्टिक कस्टमर हैं, चाहे आप कॉमर्शियल हैं, चाहे आप इंडस्ट्रियल हैं, ये सारे चीज़ें आके इस तरीके की हालत कर दी है कि इंडस्ट्रीज जो मार्जिनल प्रॉफिट पे चल रहे थे, अब ये पावर टैरिफ हाइक में तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, और ये MSME सेक्टर जो इंडस्ट्री सेक्टर है ये पूरी तरह ऑलमोस्ट ऑल नॉर्थ कर्नाटका में, एटलीस्ट कल्याण कर्नाटका में तो ये कोलैप्स हो जाएगा। और साथ ही साथ जो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, शॉप्स हैं, इनके भी तो चार्जेस बढ़ाए गए हैं। ये बेचारे जो रेंट पे रहते हैं अब वो या तो रेंट दे सकेंगे या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकेंगे, तो ये छोटे कारोबारी भी बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से ये अमेंडमेंट में जो एक चीज़ बोली गई है, देर विल बी ए थॉट ऑन गिविंग फ्री पावर सप्लाई टू फार्मर्स, ये एक उसमें क्लॉज है, जो किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसको किसी हालत में बंद करने का एक फार्मूला जो बनाया गया है ये एक्ट में, उसके तहत जो आधार लिंक किए जा रहे हैं किसानों के, जो IP सेट्स के साथ, जो पंप सेट के साथ जो लिंक किए जा रहे हैं, ये आधार कार्ड लिंकिंग भी कहीं ना कहीं जाके किसानों के पंप सेट को इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने के तरफ जा रहा है। हम कर्नाटका प्रांत रहित संघ से, CPIM से हम यही डिमांड कर रहे हैं, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्राइजेस रिवाइज करे और इमीडिएटली ये जो पावर टैरिफ हाइक किया गया है इसको फौरन वापस ले, नहीं तो किसान आंदोलन फिर से खड़ा होगा, इंडस्ट्रीज का आंदोलन, इंडस्ट्रियलिस्ट का आंदोलन होगा, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, ये सारे किसान मजदूर कारोबारी फिर से इकट्ठा होकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।